हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रूबी। आज की हमारी वीडियो है अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज। या की बुक में पोम है, आपकी बुक है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, और ये उसी की पोम है जिसके पोएट हैं डेविड हॉर्सबर्ग। लेट्स स्टार्ट विद द पोम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज। हेरिटेज से आप क्या समझते हैं? हेरिटेज हमारी धरोहर होती है जिसे हमें संभाल के रखना चाहिए, और वो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन को पास ऑन होती है। हम उसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को देते हैं कि अब हमने यूज़ कर लिया, अब हमारी अगली जेनरेशन जो है वो उसको संभाल के रखे, उसको अच्छे से यूज़ करे जुडिशली और वाइजली, ताकि उनको जो हमारी धरोहर है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और वो मेंटेन्ड रहे। तो यहाँ पर हमारे पेड़ों को हेरिटेज कहा गया है, क्योंकि पेड़ जो हैं वो सदियों से, जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, वो तब से इंसानों की मदद करते आ रहे हैं और आगे भी हमारी नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी भी मदद करेंगे। और पेड़ जो होते हैं वो शुरू से लेकर अंत तक उनका एक एक पार्ट और उनकी हर चीज़ जो है वो हमारे काम आती है। इट इज़ वेरी यूज़फुल, एवरी पार्ट ऑफ अ ट्री इज़ यूज़फुल, और मरते दम तक पेड़ जो हैं वो हमारे काम आते हैं। और वो इतने जेनरस होते हैं, इतने सेल्फलेस होते हैं कि आपको सिर्फ देते हैं पूरी उम्र, कभी आपसे कुछ बदले में मांगते नहीं हैं। तो इसलिए ट्रीज़ को बहुत ही नोबल और वर्चुअस कहा गया है, और इसीलिए ट्रीज़ को हमारे कल्चर में उनकी पूजा की जाती है, उनको पूजनीय माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ट्रीज़ को अब हमारी हेरिटेज कहा गया है। हेरिटेज कह देना ही उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करता है कि व्हाई ट्रीज़ आर सो हेल्पफुल, सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो हमारे लिए हेरिटेज हैं, उनके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो लेट्स बिगिन विद द पोम। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि कैसे डिस्क्राइब किया गया है पूरे इवेंट को। अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज। आई सॉ अ मैन अटैक अ ट्री टुडे। द रोड फ्रॉम माइसोर टू ऊटी अबाउट 20 माइल्स अलोंग इट। देयर यू सी अ ट्रेजिक साइट। आप अगर नोटिस करेंगे तो इस पोम के अंदर आपको कहीं भी राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी। जो लाइंस हैं पोम की, वो आपस में उनके एंड्स जो हैं वो राइम नहीं कर रहे हैं। एक बिना किसी राइम के ये पूरी पोम एक बात के तौर पर हमें बताई गई है, ठीक है? तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने जो पोएट है वो अपना एक एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, कि उसने अपना उस एक रास्ते से वो जा रहा था, मैसूर से ऊटी जा रहा था, तब उसने रास्ते में एक बहुत ही ट्रैजिक नज़ारा देखा, साइट यानी कि नज़ारा। और वो ट्रैजिक या बहुत ही दुख भरा नज़ारा क्या था कि एक आदमी एक पेड़ पर अटैक कर रहा था। अब यहाँ पर पेड़ को एक इंसान की तरह ही पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई यानी कि एक ट्री को पर्सन की तरह लिया गया है, दिखाया गया है कि एक पेड़ पर वो आदमी अटैक कर रहा है। इसका मतलब वो पेड़ को काट रहा है, और वो जो सीन है वो बहुत ही दुख भरा है, बहुत ही ट्रैजिक है। अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज म्यूटिलेटेड ब्रांचेस रिप्ड अनटाइमली फ्रॉम देयर ट्रंक्स, द ट्रंक्स देमसेल्व्स वुंडेड लेसरेटेड सम लाइव अटेन्यूएटेड क्रिपल्स सम हैव डाइड their sides browned by the sun, their scabs and scars defy repair. So यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर पेड़ पर जो अटैक किया गया है, यानी कि पेड़ काटने के एक्शन को, उसको एक इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है जैसे किसी आदमी पर वार किया गया हो, किसी आदमी पर अटैक किया गया हो। और जो इस तरह से एक आदमी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, अगर हम उसके हाथ पैर काट दें, उस पर चोटें लग जाएं, एक आदमी घायल हो जाए, वैसे ही पेड़ को दिखाया गया है कि जब वो आदमी उसको काट रहा था तो बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा नज़र आ रहा था। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है बुरी तरीके से किसी की
टूट जाना, खराब हो जाना, डिसफिगर हो जाना। और यहाँ पर ट्रीज़ को कहा गया है कि एक लाइन में नोबल ट्रीज लगे हुए थे, पेड़ जो हैं उनको नोबल बुलाया गया है यहाँ पर, और उन सबको वो एक आदमी जो है एक एक करके उनको काटे जा रहा था। उनकी ब्रांचेस रिप्ट, रिप्ट का मतलब होता है उखाड़ना, फाड़ना, फाड़ने के वे में यूज़ होता है, यहाँ पर इसका मतलब है उखाड़ना, यानी कि उनके ट्रीज के मेन पार्ट से, ट्रंक से उनको अलग करना। अनटाइमली यानी कि टाइम से पहले, अगर वो पेड़ कोई उसे काटता नहीं तो अपनी पूरी लाइफ जीता और बुढ़ा होता, लेकिन यहाँ पर समय से पहले ही उसको काट दिया गया, उसको मार दिया गया। द ट्रंक्स देमसेल्व वाउंडेड, मतलब ट्रंक्स जो हैं, जो मेन तना है पेड़ का, मेन जो उसकी स्टेम है, वो खुद वाउंडेड है, यानी कि घायल है, लेसरेटेड है। लेसरेटेड का भी मतलब यही होता है कि उसमें गहरे कट्स लगे हैं, गहरे घाव हैं। सम लाइव अटेन्यूएटेड, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही, मतलब इनको छील छील के, काट काट के बहुत ही पतला कर दिया गया है उनको, उनकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस कर दी गई है। क्रिपल्स, क्रिपल का मतलब होता है किसी को रुइन कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना। यहाँ पर पेड़ों की बात हो रही है तो इसका मतलब पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देना। सम हैव डाइड, और कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जो बिल्कुल टूट चुकी हैं, मर चुकी हैं, क्योंकि उनको पेड़ से अलग किया जा चुका है। देयर साइड्स ब्राउन्ड बाय द सन, अब वो जो पेड़ के ट्रंक्स हैं, ब्रांचेज हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, ये बताया गया है कि वो जो ट्रंक्स हैं उनका कलर जो है वो धूप में रह रहकर ब्राउन हो चुका है, हार्ड हो चुका है और डार्क ब्राउन हो चुका है। देयर स्कैब्स एंड स्कार्स डिफाई रिपेयर, स्कैब्स होते हैं खुरंड, जब हमारी कोई चोट लग जाती है, कोई कट पड़ जाता है, तो जब वो घाव भरने लगता है उसके ऊपर एक पपड़ी सी लेयर क्रस्ट सा जम जाता है ना घाव के ऊपर, उसे हम स्कैब कहते हैं। और स्कार्स होते हैं निशान, जो धब्बे रह जाते हैं चोटों के, वो भी मतलब डिफाई रिपेयर, मतलब डिफाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज़, मना कर देना, कि मतलब वो घाव भी अब भर नहीं सकते, भर नहीं पाएंगे। दोज नोबल ट्रीज प्लांटेड लॉन्ग सिंस बाय सम स्वीट हैंड, सम इस्माइल विश्वेश्वरैया और अननोन और रॉयल पेट्रनेज, लेट देम कम नाउ फ्रॉम सम मोर पीसफुल शेड। अब यहाँ कहा फिर से दोबारा से ट्रीज को नोबल कहा गया है, कि उन अच्छे महान, नोबल यानी कि महान, महान किस लिए, क्योंकि वो हर पूरी उम्र सिर्फ देते हैं, बदले में कुछ मांगते नहीं इंसानों से, तो वो महान पेड़ जो हर वक्त हमारी हेल्प करते हैं, हमें कुछ ना कुछ देते हैं, उनको बहुत साल पहले कभी किसी ने लगाया होगा, और उन लोगों को जिन्होंने वो पेड़ उगाए हैं, लगाए थे, उनको भी महान कहा गया है। और उन लोगों को किससे कंपेयर किया गया है, इस्माइल विश्वेश्वरैया या फिर रॉयल पेट्रनेज से। इस्माइल यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम के बेटे का नाम है, अब्राहम और ये सारे जो भी इस्माइल विश्वेश्वरैया जो हैं, ये बहुत ही महान लोगों के नाम हैं, बहुत ही होली फिगर्स हैं, जिनका जिक्र बाइबल में है, कुरान में है, और वहाँ ये कहा गया है कि जो अब्राहम और इस्माइल हैं, उन्होंने ही मक्का और काबा में इनको, इनकी फाउंडेशंस रखी थी। मक्का उनका बहुत ही बड़ा तीर्थ है, ठीक है, और विश्वेश्वरैया कौन है, विश्वेश्वर सर एम विश्वेश्वरैया हैं, जो कि मैसूर के दीवान थे, वो एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने मॉडर्न मैसूर को डिज़ाइन किया था। तो जब जब उन्होंने डिज़ाइनिंग की होगी तभी उन्होंने वो पेड़ उगाए होंगे। बेसिकली उनका डायरेक्ट मेंशन नहीं है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जिन भी हाथों ने उन पेड़ों को लगाया है वो बहुत ही महान रहे होंगे। और अब वो यही कह रहा है पोएट कि अगर वो लोग पास्ट से आकर अगर आज की हालत देखें, कि उनकी मेहनत, उनके लगाए पेड़ों के साथ आज क्या अंजाम हो रहा है, तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा, उन्हें कैसा लगेगा कि हमारी मेहनत का वेस्ट चली गई, लोगों ने उसे काट दिया। और लोगों से भी यही किया कहा जा रहा है कि प्लीज़ इन पेड़ों को अपनी ज़िंदगी जीने दो, काटो मत, इन्हें इंजॉय करते रहने दो। और यही भी कहा गया है कि ये जो पेड़ हैं, आप इन्हें काटोगे,
इनमें इनको अपने चूल्हों के लिए लकड़ी लगाओगे, आग लगाओगे इसमें, तो वो जो आग होगी ना वो और भी तेज होगी। और ये जो पेड़ है हमारे, ये इतने होली हैं, होली यानी कि हम इतना इनको पूजनीय मानते हैं, पूजा के योग्य मानते हैं। और हमारे हमारे कल्चर में पेड़ों को पूजा भी जाता है, हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, रोज उसमें जल देते हैं। और ये पेड़ जो हैं, मरकर भी इनकी जो राख है वो भी पूजा के काम आती है। और जैसे हम हवन करते हैं, हवन की जो लकड़ियाँ जल जाती हैं, लास्ट में जो उसकी राख बचती है उसको भी हम, उससे भी हम पूजा करते हैं, उसको भभूत की तरह इस्तेमाल करते हैं, टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पेड़ हैं वो हमारी धरोहर हैं, हमारी हेरिटेज हैं, हमें उन्हें संभाल के रखना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। क्योंकि पेड़ों को भी हमने साइंस में भी पढ़ा है कि पेड़ भी लिविंग थिंग होते हैं, तो अगर हम उन्हें काटेंगे तो उन्हें भी दर्द होगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें पेड़ बिल्कुल ही नहीं काटने चाहिए, लेकिन अगर हम पेड़ काटने की हिम्मत रखते हैं तो हमें उन्हें, हमें और नए पेड़ उगाने भी चाहिए। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले हमें 5 और नए पौधे लगाने चाहिए ताकि हम उसकी कमी पूरी कर सकें। तो यहाँ पर पेड़ों की इम्पोर्टेंस बताई गई है इस पोम में, और इस पोम में बताया गया है कि कैसे जो पेड़ों का कटना है वो एक उसी के बराबर है जैसे किसी इंसान को मारना या चोटें पहुंचाना। ठीक है, द पोएम इज़ अबाउट द कंडीशन ऑफ ट्रीज, उनकी क्या हालत है, हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड बाय ह्यूमंस, इंसान पेड़ों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एज इफ इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ह्यूमन बीइंग के साथ ये सब हो रहा है। देयर प्लाइट एट द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज डिस्क्राइब्ड, कि इंसान के हाथों पेड़ों का क्या हाल हो रहा है ये यहाँ पर बताया गया है। दोज हु प्लांटेड देम आर कॉल्ड नोबल, वो लोग जिन्होंने उन पौधों को, उन पेड़ों को कई बरस पहले लगाया था, उन्हें महान कहा गया है, नोबल कहा गया है, पेड़ों को भी नोबल कहा गया है। पेड़ जो हैं वो इंसान को कुदरत का बेस्ट गिफ्ट है, नेचर ने सबसे अच्छा गिफ्ट जो हमें दिया है वो है पेड़, क्योंकि पेड़ों की वजह से ही हम अच्छी और साफ सांस ले पा रहे हैं और भरपेट खाना खा पा रहे हैं। एंड लास्टली, दे आर यूजफुल टू अस इवन आफ्टर दे आर डेड। ओके, तो सूखी लकड़ी भी जो होती है, जो पेड़ सूख चुका है, पूरा बुढ़ा होके मुरझा चुका है, उसकी भी लकड़ी हमारे काम आती है। तो पेड़ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हमें हेरिटेज की तरह संभाल के रखना चाहिए। ये पोम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक देना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।